फ्रेंड्स, आज शहर में विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का एक मूल उद्देश्य है 10 अगस्त को रांची चलो। ये विषय को लेकर देशव्यापी अभियान आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले INTUC, AITUC, CITU, AICCTU, HMS लगभग सभी स्वतंत्र मजदूर संगठन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष INTUC राकेश्वर पांडे जी ने इसकी नेतृत्वकर्ता, जो बड़े सुंदर और सहज शब्दों में बताया कि मजदूरों के हितों की अवहेलना की जा रही है, उनके हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसमें अनेक गणमान्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं। उसे इस देश के मजदूरों का, इस देश के किसानों का, इस देश के गरीबों का बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर उसे चिंता किसी की है तो उद्योगपतियों को। राष्ट्र की सारी संपत्ति कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में देने के लिए सरकार परेशान है। ऐसा लग रहा है कि उसको ये बात पे विश्वास है कि केवल उद्योगपति ही देश को चलाते हैं। उद्योगपतियों के बगैर यह देश नहीं चल सकता है भारत। और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण, हमारे देश का निर्माण मजदूर करते हैं। राष्ट्र का निर्माण करता देश का मजदूर होता है, किसान होता है, गरीब लोग होते हैं। इनके वजह से देश इतना आगे बढ़ा है, लेकिन सारा समर्थन इस सरकार का उद्योगपतियों के पास जा रहा है, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर हम लोग इनकी नीतियों का विरोध नहीं किए तो फिर यह पूरा देश उद्योगपतियों के हाथ में बेच कर रख देंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि जो भी कार्यक्रम का आयोजन होता है उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें और इन नीतियों का विरोध करें। हम आगे का कार्यक्रम संचालन के लिए संजीव श्रीवास्तव जी को अधिकृत करते हैं, जो हमारे इंटर के वरिष्ठ नेता हैं। और मैं इस अनुरोध के साथ यह आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार का विरोध करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। झारखंड के मजदूरों के सम्मानित नेता, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष और आज के इस साक्षी बिरसा चौक पर संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा आयोजित इस महती सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राकेश्वर पांडे जी, यहां इस मंच पर हम सबों के बीच विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों की ओर से हमारे छोटे भाई अंबुज ठाकुर जी, विश्वजीत डे जी, के त्रिपाठी जी और उपस्थित तमाम ओम प्रकाश सिंह, हमारे इंटक के परविंदर सिंह जी, मनोज सिंह जी, पिंटू श्रीवास्तव जी, साधु सिंह जी और तमाम संजय सिंह जी और तमाम हमारे पिंटू श्रीवास्तव जी, तमाम हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे बीच सरायकेला खरसावा के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और इंटक के प्रदेश के सचिव क्रांतिकारी नेता मेरे छोटे भाई अंबुज कुमार जी भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। उनके साथ जगदीश नारायण चौबे जी और यहां उपस्थित तमाम हमारे क्रांतिकारी मजदूर के प्रतिनिधिगण और इस साक्षी बिरसा चौक में जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार है। जैसा कि अभी हमारे पहले आदरणीय श्री राकेश्वर पांडे जी ने बताया कि आज हम सब यहां क्यों खड़े हैं, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि इस देश में आज क्या हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से हर जगह कहीं ना कहीं विरोध प्रकट कर रहा है। इस देश में मजदूरों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, मालिकों के पक्ष में
लेबर कोड बनाए जा रहे हैं, देश की जो सरकारी संपत्ति है उसको औने पौने दाम में कुछ पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है और फिर देश के राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा लोन दिला करके उन्हीं संपत्ति को उनके द्वारा उन पूंजीपतियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम है ये हमारे देश की केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा जो बनाया गया मंच है उस मंच के आह्वान पर यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पिछले 4 महीने से हम लोग भारत में जगह जगह कोने कोने में कारखानों के गेट के सामने और चौराहों पर राज्यपाल का जो दरवाजा है दरवाजा तक इस बात को लेकर खटखटाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, देश का पैसा जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है उस पैसे को उद्योगपति लोन के नाम पर लेते हैं और उसी देश की जो कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर है उसको खरीद देते हैं और सरकार उन्हें बेच देती है। पैसा भी जनता का, कारखाना भी देश का और ये उद्योगपतियों के हाथ में चला जा रहा है, मालिकों के हाथ में चला जा रहा है और उद्योगपतियों के द्वारा देश के मजदूरों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। फिर अब भारत के जो भी मजदूर संगठन हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि ये जो कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ में पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे और इसका विरोध करेंगे और घर घर तक पहुंचेंगे, एक एक मजदूरों तक पहुंचेंगे, गांवों में गलियों में सब जगह पहुंचेंगे और उन्हें उनके अंदर जागरूकता लाएंगे और एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे जो आने वाले साल में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। अगर इस सरकार को हम नहीं हटाए, देश की जनता नहीं हटाई तो आने वाले में दिनों में देखेंगे कि इस देश पर सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। आज भी इनडायरेक्टली सत्ता में उद्योगपति ही हैं, आज भी मालिक ही हैं और नेक्स्ट अगले सालों में सीधा वे लोग चलाएंगे इस देश को, वे आदेश देंगे, वे डिक्टेट करेंगे टर्म्स कंडीशंस और वे कानून बनवाएंगे जैसा वैसा बनेगा। आप सभी प्रेस के भाइयों के माध्यम से हम लोग ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि बहुत बुरी स्थिति से हम सब लोग गुजर रहे हैं, देश का हालात बहुत बुरा है और इस समय एक ही रास्ता है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और फिर यहाँ पर वैसी सरकार को लाएं जो मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचे। आज जा रही है, मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप आगे आए और हमारे सभी तरीके से जो मजदूर आंदोलन हम चला रहे हैं इस मजदूर आंदोलन में हमारा साथ दे। मैं एक बार आपसे कहूंगा कृपया मेरे साथ आप भी बातें और मेरी आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश्वर पांडे जी संचालन करता, बड़े भाई संजीव श्रीवास्तव जी, परविंदर सिंह जी और सीटू के राज महामंत्री विश्वजीत देव जी और आप तमाम नौजवान उपस्थित दोस्तों, आज हम लोग इस सभा को यहाँ समापन करने के लिए जुटे हैं। आपको याद होगा कि 20 जुलाई से यह कार्यक्रम को हम लोग पूरे शहर में पूरे गांव में चलाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज पूरे शहर के अंदर यह हमारा 22वां मीटिंग है जिस पर हम लोग आज साक्षी में समापन कर रहे हैं। शहर के कोने कोने में तमाम कंपनियों के गेटों में और तमाम ऐसे जगह पर जहां सभी लोग उपस्थित होकर के रहते हैं, तमाम जगहों पर इस देश के सरकार का जो कुकृत्य नीति है उसके बारे में हम लोगों ने बताया है। हम लोगों का जो अगला कार्यक्रम है 10 अगस्त को जो हमारा महापड़ाव होने जा रहा है वो इस बात का है कि हिंदुस्तान का मजदूर आज गिरवी रखने के कगार पर जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कानून अभी पास कराया जा रहा है उससे निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के मजदूरों को गिरवी रखा जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सचेत करने के लिए कार्यक्रम को लिया है। देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा यह आंदोलन इसलिए चला रहा है
कि देश के अंदर जितने भी कानून हमारे श्रमिकों के लिए बनाया गया था, 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में बदल करके और मालिक पक्षीय बना करके मालिकों को एक छूट दे दिया गया है, उसमें पेमेंट एक्ट में संशोधन, ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन, फैक्ट्री एक्ट में संशोधन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में संशोधन, ये तमाम तरह के संशोधन को करके के ये सरकार मालिकों को छूट दिया है कि तुम जैसे भी हो गधा जैसा खटा करके मजदूरों से काम लो और हिंदुस्तान के मजदूर को ऐसा बना करके रखो कि दिहाड़ी मजदूरों के जैसा लाइन लगने पर मजबूर हो जाए। हम लोग इसलिए पूरे देश में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आंदोलन चला रहे हैं, जो स्थिति को हमारे शहीदों ने अपने शहीद होकर के और हासिल किया था, आज उसको एक एक करके प्रधानमंत्री के द्वारा वैसा कानून बना करके छीना जा रहा है। और आपको सुनकर के हैरत होगा कि जिस मुल्क के अंदर राजा अगर गिरवी रखने के कगार पर है, उसकी प्रजा की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग कहने आए हैं, अभी अभी चंद मिनट का मीटिंग हम लोगों ने टिस्को के गेट पर भी कहा है। टिस्को के अंदर आज 25,000 रुपया FRID के नाम पर, सेफ्टी के नाम पर लिया जा रहा है। जो मजदूर ठेका में काम करता है 10,000-12,000 रुपया कमाता है, जरा आप गौर कीजिए वो किस तरह से अपने जीविका को चलाएगा। इसके साथ साथ हमने यह भी कहा है कि जो मजदूर 8-10 साल से काम कर रहा है, उसको यदि उस काम के दरमियान में बीमारी होता है, उसका इलाज का खर्चा भी प्रबंधन को बनाना चाहिए, खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन प्रबंधन क्या कर रहा है, मेडिकल के नाम पर उसको बाहर कर रहा है। इसलिए तमाम तरह के जो छूट दी गई है अभी मालिकों का, हम लोग उसका खिलाफ करते हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हमें कहने आए हैं, हिंदुस्तान के आवाम के द्वारा जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को अपनी सरकारी संपत्ति को अर्जित किया गया था, आज एक एक करके प्रधानमंत्री के द्वारा बेचा जा रहा है। रेल को बेचा जा रहा है, हवाई जहाज को बेचा जा रहा है, कंपनी के साथ साथ जल जंगल और जमीन को बेचा जा रहा है। आप गौर कीजिए जरा सा, ये सारी संपत्तियां यदि बेच दी जाएगी, हमारा प्रधानमंत्री का हैसियत क्या रहेगा। इसलिए हमें कहने आए हैं आम जनता से, आम तमाम मजदूर भाइयों से, कि आप जगो, आने वाले समय जो है कष्टकारी होने जा रहा है। देश के अंदर बेरोजगारी धड़ल्ले से बढ़ रहा है, देश के अंदर महंगाई धड़ल्ले से बढ़ रहा है, देश के अंदर कुपोषण धड़ल्ले से बढ़ रहा है। और देश के अंदर जो सबसे खतरनाक बात है, भाईचारे के अंदर में जो हमारा मस्ती था, भाईचारे के अंदर में जो हमारा मिलत था, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में जो रहते थे, उसके अंदर आज नफरत बोने का काम एक प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ये हम कहने आए हैं, हमारा हिंदुस्तान को अगर गौर कीजिएगा, गांधी ने बरसों आंदोलन करके हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। आज उस एक सूत्री में बंधे हुए रहने के बाद जिस तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिस तरह से हर सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा रहा है, इससे लगता है हिंदुस्तान टुकड़ा हो जाएगा और आने वाला भविष्य जो हमारा है वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए हमें कहने आए हैं कि तमाम लोगों से, ये देश के प्रधानमंत्री मजदूरों का प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री अडानी का है, जो रेलवे के हाथों में जो अडानी को दे रहा है, जो हवाई जहाज को अडानी के हाथों में दे रहा है, जो माइंस को बेच करके अडानी के हाथों में दे रहा है। इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। जो सपना हमारे हिंदुस्तान के शहीदों ने देखा था, आज उनके सपना को भी चूर चूर करने की तैयारी ये सरकार कर रही है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, अनेक गणमान्य नेताओं ने मजदूरों के हितों की रक्षा की बात की कि जो मजदूर खून पसीने से अपने देश, राज्य और समाज को सींचते हैं, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और उस सुविधा को ध्यान में रखने के लिए इन सभी मजदूर संगठनों ने एकत्र होकर रांची में 10 अगस्त को रांची चलो अभियान का शुरुआत किया है और ये आगाज आज से इन्होंने कर दिया है। तो मजदूरों के हितों की रक्षा समाज की रक्षा होती है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के।